जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो जान लेते हैं। और दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका एक एक पॉइंट बड़ा वीवीआई है, बहुत बार पीसीएस लेवल में आ चुका है और मैंने उसी पॉइंट को उठाया है जो ज़्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष, सबसे पहली बात, अध्यक्ष होता कौन है? तो मैंने बताया था कि जो लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, वेतन है आपका 1,25,000। दोस्तों, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, पता ही होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उनका वेतन होता है 1,25,000। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, उनको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उनको मिलता है सभापति का, और सभापति का वेतन है 1,25,000। और ये अध्यक्ष जो हैं ये एकदम सभापति के बराबर है, इसलिए इनका भी वेतन 1,25,000 है। दूसरी बात, त्यागपत्र। ये त्यागपत्र किसको देते हैं? तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। फिर सबसे ज़्यादा आता है विभेद, इनका पहला कौन, पहला कौन, ठीक है। तो पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो है गणेश वासुदेव मावलकर। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए हम मैं यहाँ पे कहूँगा वीवीआई कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद था, उनके अधिकार और विशेषता के बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इनके विशेषता के बारे में देखा जाए। लेकिन मैंने नॉर्मल जो विशेषता था, जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, बहुत कम आता है, ना के बराबर, मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ। अध्यक्ष कोई भी होगा तो सभा को संचालित करता है, कोई सदस्य क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको अनुमति देते हैं, शांतिपूर्वक सभा चले इसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो यही सब बहुत सारा काम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है, जो एग्ज़ाम में आता है, उस पर चर्चा यहाँ करते हैं, ये लिखे हुए हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए, पहला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। दोस्तों, विधेयक तीन तरह के होते हैं, एक सामान्य विधेयक, एक वित्त विधेयक और एक धन विधेयक। वित्त विधेयक और धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और राज्यसभा उसको रोकना भी चाहे तब भी 14 दिन के अंदर पास हो जाता है। तो कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अगर अध्यक्ष ने कह दिया कि यह धन विधेयक है तो इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, यानी कहने का मतलब कोई काट नहीं सकता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, क्योंकि निर्णय अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। अब आते हैं आगे, संसद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करना। देखिए, संसद आपका हो गया जो लोकसभा राज्यसभा है, राष्ट्रपति, तो इनके बीच का जो पत्र आदान प्रदान होता है वो कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा है विधेयक पर निर्णायक मत देना, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो वोट यानी मत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई विधेयक पास हुआ और उसमें 50-50 यस 50 नो 50 हो गया, टाई हो गया, तब वो अध्यक्ष अपना वोट लास्ट में देते हैं, यानी अगर वो हाँ में गया तो हाँ हो जाएगा, ना में गया तो ना में हो गया, यानी इनका जो वोट होता है निर्णय देने वाला होता है, इसलिए कहा जाता है निर्णायक मत देना, ठीक है। आगे, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा किसी विषय पर अगर असहमति है तो दोनों को साथ बैठा सकते हैं, यानी संयुक्त बैठक बुलाने कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 बुलाता राष्ट्रपति है, संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है प्रवर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, ये अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं यही। आगे देखते हैं, सदन में गणपूर्ति ना हो तो बैठक को स्थगित करना। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था गणपूर्ति मतलब 1/10, अगर पूरे सभा में जितने लोग हैं उसका 1/10 भी लोग अगर नहीं आते हैं, गणपूर्ति नहीं होता है, तो सभा को स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को है। अब आते हैं लगातार 60 दिनों तक। कहने का मतलब है अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन में नहीं आता है
तब लोकसभा का अध्यक्ष उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार है। अब देखिए दल बदल। दोस्तों आपको पता है कि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। कहने का मतलब अगर आप किसी पार्टी से जीते हैं और कुछ महीने कुछ साल के बाद आप दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो आप दल बदल के चलते आपका सदस्यता रद्द हो जाता है। तो दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले कोई भी एमपी हो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। वो कौन करेगा? तो अध्यक्ष। अगला आता है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया गया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश। कहने का मतलब है अगर कोई विषय चल रहा है और उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित करना है तो उसके लिए अनुमति पहले लोकसभा अध्यक्ष से ही लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा दोस्तों ये जितना पॉइंट है आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको बीपीएससी दरोगा या कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम निकालना है तो बहुत बार आ चुका है, बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन एक बार जरूर याद कर लीजिएगा इसको। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।